हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो देखिएगा गाइस, एक ये वीडियो लेकर आई हूँ मैंने यहाँ पे। ये ईयर वार्मर कह सकते हैं आप, नेक ईयर हेयर बैंड बोल सकते हैं, ईयर बैंड बोल सकते हैं इसे आप, और आप इसे अपने फेस को भी कवर कर सकते हैं, तो नेक वार्मर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे ये बनाया है। बहुत आसान तरीके से वीडियो में मैंने बताया है कि आप इसको किस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये जो है स्ट्रेच भी होता है। देखिए कितना स्ट्रेच होता है। तो अगर ये लूज रहेगा ना, तो आपके हेड पे से निकल जाएगा बार बार। तो इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके ही देख के देखिएगा, जब भी बनाइएगा नापिएगा तो। और वूल इसमें बहुत कम लगी है, जस्ट 18 ग्राम ऊन में ये बन के कम्प्लीट हो गया है। और 9 नंबर की इसमें मैंने सलाइयाँ यूज की हैं, 9 नंबर की निडिल दोनों तरफ से इस तरह से बना है। बहुत प्यारा बन के आया है। आप इसे बना सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। और गाइज, उससे पहले मेरा एक चैनल और है मेकअप का, तो प्लीज़ मेरे मेकअप वाले चैनल पर जाइए, जाके वीडियो देखिए। फेस्टिव सीजन चल रहा है, वहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना रही हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल्स, DIY, स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। तो एक बार जाके देखो, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो। आपकी स्किन में अगर कोई भी समस्या, दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, बाल झड़ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशन आपको मेरे उस चैनल पर जरूर मिल जाएंगे। आप देखिएगा, और वीडियो पसंद आए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इट्स फ्री, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल बटन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। और प्लीज़ कीप सपोर्ट, उस चैनल पर भी आप सपोर्ट कीजिएगा जैसे इस चैनल पर सपोर्ट किया हुआ है। तो इस तरह से ये हम नेक वार्मर की, इसकी ईयर वार्मर की बात कर लेते हैं। तो बहुत सुंदर बन के आया है। इस तरह से ये डिज़ाइन सेंटर में आया है। इसको मैं आपको वियर करके भी बाद में दिखा दूंगी, आपको फोटो इसमें लगा दूंगी, ये बनने के बाद और पहनने के बाद ये कैसा लग रहा है ये देखिएगा। ये डिज़ाइन जो मैंने इसमें डाला है, वो भी मैंने बताया हुआ है, इसी वीडियो में बताया है कि इसको आप कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, अदरवाइज आपको समझ भी नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। और ये टॉप रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आप जिससे मतलब जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया उन तक पहुंच जाए, तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सो देखिएगा फ्रेंड्स, एक ईयर बैंड बनाने जा रही हूँ। इसे नेक वार्मर, सॉरी हेड वार्मर भी बोल सकते हैं। सो देखिएगा फ्रेंड्स, एक सो गाइस देखिएगा, एक हेडबैंड बताने जा रही हूँ आप लोगों को। तो इसे है ना, कई तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल ये वूल ली है, मल्टी कलर वूल है, और 9 नंबर की मैं यहाँ पे निडिल यूज करूंगी, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेचेबल बन के आएगा। तो स्टिचेस की बात करते हैं, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 15 फंदे में डालूंगी, ठीक है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, देखिए 15, ठीक है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 1, 15। इस तरह से मैंने यहाँ पे 15 स्टिच डालने के बाद यहाँ पे मुझे करना क्या है, ये चीज देखिएगा। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे हम, है ना? वो देखिए कैसे, ऐसे पहला फंदा हम ऐसे इस तरह से सभी फंदों को हम एक एक करके उल्टा बना लेंगे। देखिए सभी फंदों को एक एक करते हुए उल्टा बना लेंगे। आप इसे ना गार्टर स्टिच में बनाएंगे, उल्टा भी बना सकते हैं और सीधा भी बना सकते हैं दोनों तरफ से, ठीक है? गार्टर स्टिच में सीधा बनाएं या उल्टा बनाएं, एक ही जैसा डिजाइन बन के आता है दोनों तरफ से, लेकिन एक जैसा बनाना होगा। इस तरह से देखिए, आपने यहाँ पे फर्स्ट रो बना के कंप्लीट कर ली। अब सेकेंड रो, पहला फंदा ऐसे देखिए स्लिप करके एज का फंदा है, उसके बाद सभी फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए, सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो मेकअप वाला चैनल नहीं देखा है ना, तो जाके देखो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल्स के वीडियो बनाती हूँ। एक बार जाके देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपको काम का हो, आपको समझ में आ जाए, आपको पसंद का हो, तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए, जैसे हमने 2 सलाइयाँ बनाई हैं, ऐसे ही हम करीबन 20 सलाइयाँ बना लेंगे टोटल। 2 बन गई, 18 सलाइयाँ और बना लेंगे।
आप 20 बना सकते हैं, 22 बना सकते हैं, 18 बना सकते हैं, इस तरह से कितनी भी बना लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए गार्टर स्टिच में हम बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये धारियां बन के आएंगी, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, ये देखिए। तो इस तरह से ये जो लाइंस बन के आएंगी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वन और टू, इस तरह से ये लाइन बन के आएंगी। तो ऐसी करीबन 10 लाइंस बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ फिर क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 10 लाइंस बना के कंप्लीट कर ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यानी कि 20 सलाइयाँ मैंने दोनों तरफ से बना ली। अब आगे देखिए आपको करना क्या है, आप समझिएगा। आपके पास यहाँ पे अब हम थोड़ा सा डिजाइन डालेंगे, प्लस साथ इसको हम इंक्रीज भी करेंगे, फंदे भी बढ़ाएंगे। तो आप यहाँ पे सात सात फंदे दोनों तरफ अलग कर लीजिए, 2 4 6 7, है ना, 7 स्टिचेस अलग अलग डिवाइड करेंगे, 2 4 6 7, बचा एक ये सेंटर वाला फंदा। तो इस सेंटर वाले फंदे के इस साइड और इस साइड हम एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हेड तक लाना है हमें, ईयर वार्मर बना रहे हैं ना, एक एक फंदा इधर बढ़ाएंगे और इस बीच वाले फंदे पे हम अपना डिजाइन पैटर्न डालेंगे। आप चाहें तो गार्टर स्टिच में सीधा सीधा भी बना सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा डिजाइन डालूंगी। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पहले तो हम पहला फंदा स्लिप करके 7 फंदे उल्टे बना लेंगे। तो पहला काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमने इधर बना लिए। अब 2 4 6 1 7, अब यहां पे हम देखो ऐसे फंदा इंक्रीज करेंगे ऐसे, ठीक है, ये हमने एक फंदा बढ़ा लिया। अब इधर हम डिजाइन डालेंगे, तो डिजाइन देखो कैसे डालेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, यहां से देखो इस जो फंदे के बगल से एक लूप ऐसे निकालेंगे और इस वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे डिजाइन डालेंगे, वो सॉरी एक फंदा बढ़ाएंगे, ये जो 7 फंदे हैं इससे पहले हम एक फंदा फिर बढ़ाएंगे ये ऐसे, ओके। इसके बाद धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। अब देखिए किनारी का ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ किनारी बहुत फिनिशिंग के साथ अच्छी सी बनाती हुई जा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब हम आ गए इसके रॉन्ग साइड, पहला फंदा देखो स्लिप करके 7 फंदे पहले हम उल्टे बनाएंगे, देखिए 3 4 5 6 7, अब ये जो फंदा हमने बढ़ाया था ना इसे भी हम उल्टा बना लेंगे, तो ये 7 की जगह अब हमारे पास 8 फंदे हो गए। अब देखिए ये जो हमने 1 से 2 फंदे बनाए थे डिजाइन वाले, इन दोनों को 2 का 1 करेंगे उल्टा बनाते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास ये एक बढ़ाया हुआ फंदा प्लस 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आप चाहें तो इसमें मार्कर भी डाल सकते हैं, निशान भी लगा सकते हैं, मैं आपको भी डाल के बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए फिर से पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, अब हमारे पास ये 8 फंदे हो गए, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, 8 फंदे हो गए। अब हम यहाँ पे फिर से एक फंदा, आप चाहें तो मार्कर भी डाल लीजिए, देखो इधर मैंने एक मार्कर डाल लिया और एक फंदा मैंने इधर बढ़ा दिया, या डिजाइन के साइड डालेंगे हम, ठीक है। एक फंदा पहले हमने बढ़ाया, इसके बाद अब हम यहाँ पे इस पे डिजाइन डालेंगे ऐसे। तो देखो धागा, अब देखो हम क्या करेंगे, ये ना हमारे पास 8 फंदे नहीं हुए, यहाँ पे देखिए क्या करना है, हाँ थोड़ा सा मैं भूल गई थी, 2 4 6 1 ये 7, ठीक है, 7 फंदे हमारे यहीं रहेंगे। इसके बाद हम यहाँ ये एक फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है, ये जो 8वां फंदा है वो हमारा डिजाइन में आ गया। अब क्या करेंगे, धागा हम इस साइड ले जाएंगे और देखो यहाँ पे ये जो फंदा है जो हमने बढ़ाया था इसके जस्ट बगल से हम एक बार फिर से डिजाइन डालेंगे और इसको सीधा बनाएंगे ऐसे। अगला फंदा देखो, इस पे हमने डिजाइन डाला था तो इसको हम नॉर्मल सीधा बना लेंगे, इस पे हम फिर से डिजाइन डालेंगे, देखो 1 और इसको 2 बार बनाएंगे ऐसे।
ठीक है, अब देखो 2 4 6 1 7, अब इससे पहले हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और हम यहाँ पे 7 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एज स्टिच 7, ये देखिए इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा स्लिप करके 7 फंदे, ये 7 फंदे हमें शुरू से हमेशा बनाने हैं बॉर्डर के, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये वो फंदा है जो हमने बढ़ाया था, तो इसको हमने ऐसे बुन लिया उल्टा। अब ये डिजाइन वाले जो फंदे हैं इनको 2 का 1 कर देंगे, और ये फंदा है इसको बीच वाला, इसको भी ऐसे उल्टा बनाएंगे, फिर डिजाइन वाले फंदे को हम 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए 2 4 6, और ये हमारा बढ़ाया हुआ फंदा है, इसको हम उल्टा बना लेंगे, बाकी सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि बाकी जो 7 फंदे हैं वो तो उल्टे ही बनेंगे दोनों तरफ से। अब देखिए यहाँ पर फिर से फ्रंट साइड आ गए, पहला फंदा स्लिप करके 7 फंदे हमें फिर से उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लो ऐसे, अब धागा पीछे ले जाओ, अब ये जो नेक्स्ट जो फंदा है ना ये वाला, 2 4 6 सॉरी 1 मिनट, 8 बन गया था हमसे गलती से, बार बार 8 काउंट हो जाता है, 2 4 6 1 7। अब यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है 7 के बाद, एक फंदा बढ़ाया धागा पीछे, अब यहाँ पे हम डिजाइन डालेंगे देखो ऐसे, ये देखिए। अब ये जो डिजाइन डाला था उसके ऊपर हम सीधा बनाएंगे, फिर अगले फंदे में हम ऐसे डिजाइन डालेंगे, फिर जो डिजाइन डाला था उस पर सीधा बनाएंगे, फिर देखिए 2 4 6 7, और इस वाले फंदे में हम डिजाइन बनाएंगे ऐसे, एक फंदा हम बढ़ाएंगे धागा अपनी तरफ, 7 फंदे उल्टे, एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। अब सीधी तरफ आ जाएंगे, पहला फंदा स्लिप करके पहले बनाएंगे 7 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया बढ़ाया हुआ फंदा। अब ये कर देंगे हम 2 का 1, फिर एक फंदा सिंपल, फिर ये 2 का 1, फिर एक फंदा सिंपल, फिर ये 2 का 1, फिर ये बढ़ाया हुआ फंदा, उसके बाद 7 2 4 6, और एक ये 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब फिर से देखिए यहाँ सेंटर में देखिए डिजाइन डल रहा है हमारा, पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ, 7 फंदे उल्टे, 1 2, अब की बार नहीं भूलेंगे, 3 4 5 6 और ये 7, 2 4 6 7, अब यहाँ पे फंदा हम बढ़ाएंगे, धागा पीछे, अब यहाँ पे देखो इस फंदे पे डिजाइन डालेंगे ऐसे, लूप निकालेंगे इसके बगल से इस तरह से, इसको सिंपल बनाएंगे, फिर देखो यहाँ से एक लूप निकालेंगे इसको सिंपल बनाएंगे, फिर यहाँ से एक लूप निकालेंगे सॉरी इसको सिंपल बनाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से एक लूप निकालेंगे और इसे सिंपल बनाएंगे, फिर इसे सीधा बनाएंगे, यहाँ से ऐसे लूप निकालेंगे। अब देखो हमारे पास 2 4 6 7 बचे, अब एक फंदा हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे करीबन 35 फंदे ना हो जाए, ठीक है, 35 या 37 रख सकते हैं,
अपने हेड के हिसाब से नाप लें उतने रख लें। पहला फंदा स्लिप करके देखो, 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो एक फंदा ये बढ़ाया हुआ था जो इसे उल्टा बना लेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1, एक सिंपल, 2 का 1, एक सिंपल, 2 का 1, एक सिंपल, 2 का 1, एक ये बढ़ाया हुआ फंदा, बाकी 2 4 6 7 उल्टे फंदे, 1। तो इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे जब तक कि हमारे करीबन 35 फंदे प्लस होने चाहिए। अगर आपको एडल्ट साइज के लिए बनाना है तो 35 से प्लस होने चाहिए, ठीक है। आप देख लें यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 21 23। तो करीबन इतनी चौड़ी पट्टी तो होनी चाहिए हमारे पास, जहां तक मेरी फिंगर रखी हुई है। तो इसके बाद देखिए फिर से मैं एक बार और बताती हूँ, फिर आप बढ़ाते हुए जाइएगा ऐसे ही। पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 2 4 6। देखो एक फंदा, ये एज स्टिच की वजह से काउंट नहीं होता ना, इसलिए 8 काउंट हो जाता है, इसको मैं काउंट नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ। अब यहाँ देखो 2 4 6 और 1 7। अब यहाँ पे ऐसे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब इस पे डिजाइन डालेंगे। देखो 1 से 2 बनाएंगे एक फंदा, और जिस पे हमने पहले डिजाइन डाला होता है उसे सीधा बनाते हैं, और जो फंदा बढ़ाया हुआ होता है उसे उस पर डिजाइन डालते हैं ऐसे। फिर एक फंदा सीधा, देखो यहाँ से ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा सीधा, फिर जो फंदा बढ़ाया हुआ था इस पे डिजाइन। अब यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ा देंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ, 7 फंदे, 2 4 6 और 1 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 एज स्टिच 7। तो देखिए ऐसे ही हम करते हुए जाएंगे, करीबन बना लूंगी मैं जब तक 35 फंदे ना हो जाए मेरे पास। देखिए यहाँ पे फिर से उल्टी तरफ से देख लीजिए, सीधी तरफ से आप बनाइएगा। देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये बढ़ाया हुआ फंदा है, इसको उल्टा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 का 1, 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 एक फंदा उल्टा। अब 7 फंदे उल्टे, 2 4 6 और 1 7। तो आप भी इसी तरह से बनाते हुए जाइएगा। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मेरे पास कितने फंदे हैं और आपको अभी कितनी सलाइयाँ इसी तरह की और बनानी है ना। देखो अब मेरे पास आ गए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 1 25। 2 फंदे फिर से बढ़ गए इस बार। इसके बाद नेक्स्ट सिलाई पे 27 हो जाएंगे, है ना, फिर 29 हो जाएंगे, फिर 31 33 35 तक, या 35 37 तक आप बढ़ा लेना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आगे जरूरत लगेगी तो और बढ़ा लेंगे। तो पहले इतना बना लेती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको करीबन इतने फंदे बढ़ा दिए कि मेरे पास यहाँ पे 39 स्टिचेस हो गए हैं, ठीक है। 35 मुझे लग रहा था थोड़ा कम है क्योंकि वूल थोड़ी पतली थी, तो मैंने 39 स्टिच तक इसको बना लिया। अब आगे देखिए हमें यहाँ पे बीच में ये जो फंदे, हम एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बढ़ा रहे थे ना, ये बॉर्डर के साथ साथ फंदों से पहले
तो अब हम वो नहीं बढ़ाएंगे, अब जस्ट जितने फंदे हैं 39 उसी पे हम बनाते हुए जाएंगे, बस अपनी डिजाइन को सेट कर लेंगे। डिजाइन को कैसे सेट करेंगे कि ये देखिए, ये आपको अलग से दिख रहा होगा, ये गांठ गांठ वाले जो फंदे हैं, जब हम डिजाइन बनाएंगे तो ये जो गांठ वाला फंदा आएगा ना उसको सीधा बनाएंगे, और जो बिना गांठ वाला फंदा आएगा उसको हम एक से दो करेंगे। देखिए मैं किस तरह से बता देती हूँ आपको थोड़ा, एक फंदा ये रहा, इसके बाद दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, सात, दो, चार, छः, सात फंदे हमने ये पट्टी के बनाए। अब हम यहाँ जो फंदा बढ़ा रहे थे वो नहीं बढ़ाएंगे, अब धागा पीछे ले जाएंगे, अब हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इस पर हमें डिजाइन सेट करना है, ये जो फंदा है ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये गांठ वाला फंदा है, तो इससे पहले वाले फंदा जो है इसे हमें एक का दो करना है, ऐसे डिजाइन डालना है। अगला फंदा हमें सीधा बनाना है, फिर यहाँ पे हमें ऐसे डिजाइन डालना है, एक से दो, फिर एक फंदा सीधा, फिर देखो यहाँ एक से दो, एक फंदा सीधा, एक से दो, एक फंदा सीधा, एक से दो, एक फंदा सीधा, देखिए एक से दो, अब दो, चार, छः, सात, धागा अपनी तरफ करके इस तरह से हम ये सात फंदों को उल्टा बना लेंगे। लास्ट का फंदा तो सीधा ही बनाएंगे क्योंकि फ्रंट साइड है, इसलिए एज स्टिच अच्छी सी आई इस वजह से। अब आ गए रॉन्ग साइड, ठीक है, तो मैं आपको ये डिजाइन की चार सलाइयां बना के दिखाऊंगी। पहला फंदा ऐसे स्लिप करके सात फंदे उल्टे, देखो दो, तीन, चार, पांच, छ, और ये सात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो एक से दो बनाए थे इनको दो का एक कर देंगे, सिंपल। एक दूसरा फंदा सीधा उल्टा, फिर यहाँ देखिए दो का एक, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर यहाँ देखिए दो का एक, नेक्स्ट फंदा उल्टा, दो का एक, नेक्स्ट फंदा उल्टा, बाकी के सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। इसके बाद मैं आपको दो सलाइयां और बना के दिखाऊंगी, फिर आप इसकी लेंथ कंप्लीट कीजिएगा जितनी आपको बनानी है, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल एडल्ट साइज बना रही हूँ, टीनेजर साइज, ऐसे देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ लाके सात फंदे उल्टे बनाएंगे। इसे काउंट कर लूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
सिक्स और ये सेवन धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पे ये गांठ सी आ गई बनके, है ना, तो इसको हम सीधा बना लेंगे और इस पर हम डिजाइन डालेंगे एक से दो, फिर इसको सीधा बना लेंगे, फिर इस पर डिजाइन डालेंगे एक से दो, फिर इसको सीधा बनाएंगे, इस पर डिजाइन डालेंगे, इसकी जो चौड़ाई है ना फंदों का हिसाब वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, कोई थोड़ा पतला चाहता है इसको थोड़ा, और कोई चाहता है कि थोड़ा आधा सर ढक जाए, इस तरह से बनाना चाहता है। लास्ट का जो फंदा है वो गांठ वाला है। अब दो चार छह सात धागा अपनी तरफ करके सात फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, धागा पीछे एक फंदा सीधा। अब रॉन्ग साइड से भी देखो, एक बार देख लो लास्ट, फिर से बनाते हुए जाइएगा। इसके बाद फिर हम डिक्रीजिंग करेंगे, ठीक है? तो डिक्रीजिंग भी करना मैं आपको बताऊंगी पूरा। पहले सेंटर पार्ट में इसको जितना बिना फंदे घटाए, वो सॉरी बिना फंदे बढ़ाए जितना बनाना है वो बना लूं, दो चार छह और एक सात। अगला फंदा देखो यहाँ पे ये सीधा दिख रहा है, सिंपल उल्टा दिख रहा है, तो इसको उल्टा बनाएंगे। यहाँ एक से दो दिख रहे हैं तो यहाँ दो का एक कर देंगे, फिर एक फंदा उल्टा दो का एक,
एक फंदा उल्टा, दो का एक, एक फंदा उल्टा, दो का एक। लास्ट में ही हमने बॉर्डर के फंदे बना लिए, सात। अब देखिए इसी तरह से हम इसको सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे, पट्टी के साथ साथ फंदे निकाल के, उसके बाद इतना बनाएंगे करीबन इतना, उसके बाद फिर हम डिक्रीजिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं इसका मेजरमेंट भी आपको बता दूंगी। मैं रॉन्ग साइड से इसको ये लाइन मैंने खत्म कर लिया, ये देखिए अब आ गए हम फ्रंट साइड। तो मैंने इसको सीधा सीधा कितना बनाती हुई गई हूँ जब मैंने इसमें फंदे नहीं बढ़ाए हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से ऐसे हम इसको रखेंगे, ये यस। और इंची टेप से अगर मेजर करेंगे तो जहां से हमने ये डिजाइन डाली है, यहां से इस जगह से हमने डिजाइन डाली है, करीबन मैंने ये यहां से 6 इंच बना लिया, ठीक है। अब यहां से अब हम डिक्रीजिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वापस हमें यही वाला पोर्शन लेकर आना है। तो डिक्रीजिंग कैसे करेंगे देख लीजिए, यहां से फंदों को घटाना, हर हर फ्रंट साइड से 2 फंदे घटने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे हर फ्रंट फ्रंट साइड पे 2 फंदे बढ़ते हुए गए हैं ना, ऐसे एक फंदा स्लिप करके 1 मतलब 2 3 4 5 6 और ये देखिए 7 फंदे हमने लिए, सॉरी ये हमने 6 लिए, 2 4 6। अब सातवां फंदा हम इस फंदे के साथ लेंगे उल्टा, ये 7 होगा, एक फंदा यहाँ घट गया। अब हम अपना डिजाइन बनाएंगे यहाँ पे, देखो ऐसे करके, यही करेंगे हम लास्ट तक। अभी लास्ट में भी फंदा घटाना बताऊंगी आपको, लाइन पे बने रहिएगा कहने का मतलब वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको देखो वीडियो इसीलिए पूरी लाइन दिखा रही हूँ, ये कट करके नहीं दिखा रही हूँ। इसको सीधा बनाया, फिर यहां से डिजाइन डालेंगे, इसको सीधा बनाएंगे, 2 4 6 7, ठीक है। तो देखो सीधा जो ये जो डिजाइन डाला, इसके बाद धागा अपनी तरफ करके, जब 8 फंदे यहाँ रह गए तो यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। अब बाकी 2 4 6, तो ये 7 फंदे हमारे उल्टे हो गए। तो दोनों तरफ से, दोनों तरफ से नहीं सॉरी, फ्रंट साइड से ही हमें इस तरह से घटाना है, ये देखिए। तो 2 फंदे हमारे पास इस तरह से कम हो गए। तो इसी तरह से करते हुए जाएंगे जब तक कि हमारा लास्ट में हमने एक डिजाइन, मतलब बीच के 3 फंदे ना रह जाए, बीच का जो एक फंदा था ना डिजाइन वाला उतना ना रह जाए, तब तक हम हर बार करते हुए जाएंगे इसी तरह से, 2 4 6 और एक देखिए 7। अब ये यहाँ पे डिजाइन का 2 का 1, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 का 1, एक फंदा उल्टा, 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 2 का 1, देखिए एक फंदा उल्टा, 2 का 1, एक फंदा उल्टा, इस तरह से 2 4 6 और एक साथ वो हमने भूल लिया, ठीक है। इस तरह से देखिए करेंगे हम,
अब देखो फ्रंट साइड आएंगे, एक बार फिर इस साइड बताती हूँ मैं आपको घटा के। पहला फंदा ऐसे सीधा, एक हो गया ये, दो, तीन, चार, पांच, छः। अब देखो सातवां फंदा इसके साथ लेंगे, सात, दो, चार, छः, सात, धागा पीछे। अब यहाँ से हम अपना डिजाइन डालेंगे, तो इसी तरह से हम घटाते हुए जाएंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर जब तक यहाँ तक आ जाऊंगी वापस इस तरह से, तो फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लास्ट दो का एक, ये हो गए सात फंदे। तो देखिए बिल्कुल लास्ट में आ गए, हमारे पास जितने फंदे थे अब उतने ही रह गए हैं। काउंट करेंगे अभी हम, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन और ये 15। यस, तो देखिए जहाँ से हमने फंदे बढ़ाना स्टार्ट किए थे वहाँ तक हम आगे स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखिए मेरे पास टोटल 15 फंदे हो गए। देखिएगा मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से, ये देखिए जैसे यहाँ से हमने ये डिज़ाइन स्टार्ट किया था, एक डिज़ाइन बनाया, वैसे ही लास्ट में हमने यहाँ पे एक बनाया। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे जितने फंदे हैं वैसे ही ये जो हमने लाइन बनाई है, कितनी 10 बनाई होंगी हमने शायद, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, तो 10 लाइन्स में यहाँ पे दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाते हुए बना लूंगी अब मैं, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाते हुए ये 10 लाइन्स बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से। अब हम कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे, देखिए अब कोई बॉर्डर के फंदे नहीं होंगे, अब यहाँ पे सभी फंदे अब उल्टे रहेंगे इस तरह से। ये देखिए सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, बस एज स्टिच को छोड़कर दोनों तरफ से कर लेती हूँ पहले अब ये मैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये जो 10 लाइन से बना के कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे या सुई से सिल देंगे, इन फंदों को बंद करके सुई से सिल देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये इतना बना लिया, अब इसको हम स्टिच कर देंगे। अब पहले तो इसको हम स्टिच करने से पहले साइज देखेंगे, अब साइज कैसे मेंशन करना है, किसके साइज का क्या बनाना है। देखिए 7 इंच बन गया है, तो ये जो आपको 10, 12, 15 साल तक के बहुत आराम से आ जाएगा, जिसका सिर पतला है, क्योंकि ये स्ट्रेच भी होता है इस तरह से, ठीक है। अगर आपको जैसे एडल्ट साइज में फुल साइज लेडीज और बड़े लोगों का साइज बनाना है, तो आप इसकी साइज आप इतना 8, जैसे ये है 7.5 मान लीजिए, है ना, आप 10, 9.5, 9 या 9.5 तक बना लीजिए। अपने सिर से नापिएगा, इस पार्ट को अपने बैक साइड रखिएगा कान की तरफ, और पूरा राउंड लेके दूसरी तरफ ये आ जाए आपका जस्ट बैक साइड पे। और अगर आप इसका साइज जैसे बढ़ाना चाहें, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये स्ट्रिप 10 स्ट्रिप्स बनाई हैं, 10 की जगह आप ये 15 बना लीजिए, यानी कि 30 सलाइयाँ बनाने के बाद ये डिज़ाइन स्टार्ट करो, तो ये साइज जो है 9 इंच तक का हो जाएगा, ठीक है। मैंने फिलहाल ये बनाया था 15 15 साल, 10 मतलब 10 से 15 साल के बच्चे के बीच में, बच्चे के साइज का, तो ये बहुत ही अच्छा बना है, परफेक्ट। तो इसको अब हम यहाँ पे ऐसे स्टिच कर देंगे, या फिर यहाँ पे फंदे भर के कैसे भी आपस में इसको सिल देंगे। अब देखिए बहुत फिनिशिंग के लिए मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे ऐसे कट कर दे रही हूँ धागे को। अब यहाँ से मैं दोनों को सिलाइयों से ज्वाइंट करूँगी, तो यहाँ से मैं इस तरह से 15 फंदे ऐसे करके सिलाई में ले लूँगी ऐसे। देखिए 1, 2, 3, देखिए इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से पूरे 15 फंदे मैं भर लूंगी। देखिए ये मैंने भर ली, अब इसके साथ हम इसे अटैच कर देंगे ऐसे करके सलाइयों से।
अब देखिए कैसे स्टिच करेंगे, ये जो सीधा वाला एरिया है ना, इसको हम ऐसे फोल्ड करके अंदर रखेंगे, ऐसे कर लेंगे इस तरह से, और इसको हम ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे हमारा धागा है, अब इनको हम एक साथ बंद कर देंगे। देखिएगा, एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक फंदा इस सिलाई से। दोबारा देखो, एक ये और एक ये, इन दोनों को एक साथ सीधा बनाएंगे ऐसे ऐसे। एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, इन दोनों को सीधा बनाएंगे, इसको गिरा देंगे। अब ये पहला वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे निकाल, फिर से देखो, वन और टू, दो फंदे एक साथ लेंगे इस तरह से और इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, वन टू। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा ले लेंगे इस तरह से। इससे क्या है कि जॉइंट ना बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बहुत फिनिशिंग के साथ जॉइंट होता है। तो देखो, इस तरह से, एक मिनट, हाँ जी, वन टू ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी स्मूथ किनारी बनती हुई जा रही है, कितने अच्छे से यहाँ फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो रहा है। अब देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊंगी आपको, अभी जो मैंने साइज बताया आपको वो 14-15 साल तक के बच्चे के लिए है। अगर आपको इसमें एडल्ट, मैंने इसमें साइज डिक्री वो सॉरी इंक्रीज कर लिया था, तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ये देखें, पहले हम इसे कट कर लेंगे, उसके बाद आपस में इनको टाई कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ये देखिए हमारा नेक वार्मर, सॉरी ईयर वार्मर, हेड बैंड या फेस वार्मर, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। अब इसकी जो ये स्टिचिंग है, ये इनको हम हाइड कर देंगे यहाँ पे। फिनिशिंग दे देंगे इसमें। ऐसे ये पिंक वाला धागा भी कर लेंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने इसमें अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। मैं मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था और मुझे ये मेरे लिए नहीं बनाना था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये है। तो किसी ने मुझे बनवाया था, ये बोला था कि इसे सिखाएं, तो इसलिए मैंने उनके लिए ये सिखाया है। इस तरह से आप इसको बना के कंप्लीट कर लें।
अब देखिए मैं आपको साइज का बता देती हूँ, थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। अब मैंने क्या किया इसमें, इसको थोड़ा बड़ा बनाया। ये देखिए जब ये 10 सलाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ से हमने ये बनाई थी। तो जब मैं ये पट्टी बनाती हुई गई थी जब दोबारा डिक्रीजिंग के बाद, तो मैंने 5 6 सलाइयाँ और बनानी थी, ठीक है, इसकी हाइट बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा मुझे बड़ा साइज करना था इसमें, तो उस समय अब ये हमारा 8 आ रहा है, अब स्ट्रैच होके ये 10 हो जाएगा। तो ये एडल्ट साइज इस समय हमारे पास बन के आ गया, फुल साइज। अब दूसरी तरफ जो मैंने फंदे यहाँ से भरे थे ना ये जॉइंट करने के लिए आपस में, तो मैंने वहाँ पे फंदे भरने के बाद, देखिए यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बिल्कुल भी, कहाँ पे क्या किया, फंदे भरने के बाद 6 सलाइयाँ मैंने और बना के और यहाँ आपके सामने ये जॉइंट कर दिया। तो ये इस समय हमारे पास, कहने का मतलब ये, जब आप इसको बनाएं, अगर आपको फुल साइज में बनाना है एडल्ट साइज, तो आप यहाँ पे 16 रोज बनाइएगा। ये 16 धारियाँ यानी कि 32 सलाइयाँ, देखो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 सलाइयाँ 15 15 15 पे सीधे सीधे बना दीजिएगा। फिर उसके बाद ये डिज़ाइन डालिएगा और फिर यहाँ पे जब आप बंद करेंगे, जब 15 फंदे वापस आ जाएं, तो फिर से ये 16 धारियाँ, ये जो लाइंस है ना, ये 16 होनी चाहिए, यानी कि 2 सलाई से बन के एक लाइन बनती है। तो यानी कि 36 सलाइयाँ आप, सॉरी 32 सलाइयाँ आप बना लीजिएगा। तो इसका काफ़ी अच्छा साइज बन के आ गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं, तो बहुत प्यारा भी लग रहा है ये बनने के बाद। तो मैं इसको ट्राई करके भी दिखाऊंगी आपको, बहुत प्यारा ईयर वार्मर लग रहा है इस तरह से, देखिए। तो गाइज आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये जो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो अगर आपने ये देखा है जिनके लिए मैंने ये बनाया है, तो वो मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।